स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th, बच्चों बात करते हैं आपके कॉपी चेकिंग प्रोसेस 10th ऑफ अप्रैल तक क्या हालत है। कॉपी चेकिंग की लेटेस्ट अपडेट ये है कि कॉपी चेकिंग लगभग आपके कंप्लीशन के दौर पे है। 10th का तो हो ही चुका है, लगभग 12th वालों का भी लगभग कंप्लीशन मोड में है। 12th वालों का भी 70% के आसपास हुआ है, बट अब कंप्लीशन मोड में ही है, वाइंड अप होना शुरू हो जाएगा। आंसर्स जो है, जिन बच्चों ने आंसर लिखे हैं, अब ये सवाल हो रहा है ना कौन बच्चा पास होगा कौन बच्चा फेल होगा, आपने अगर लिखा है ठीक है तो आपको नंबर मिल रहे हैं और बहुत ही लिबरली मिल रहे हैं। तो बहुत से बच्चे जो घबरा के क्वेश्चन करते हैं कि हमने ये किया हमें नंबर मिलेंगे या नहीं, तो उन बच्चों को नंबर मिल रहे हैं और आप घबराइए मत, आप जरूर पास होंगे। आपने अगर थोड़ी भी कोशिश की, अगर कॉपी चेकर को लग रहा है कि बच्चे ने कोशिश की है ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं और आप पास जरूर होंगे। हाँ, हालांकि आप अगर देखो फेल कब हो सकता है बच्चा, जब आपका आंसर इररिलेवेंट है, मीनिंगलेस है, शीट एम्प्टी है, देन उस सब्जेक्ट में आपके जो एग्जामिनर है वो आपको पास नहीं करा सकते, है ना, इन दैट केस। क्योंकि फिर एग्जामिनर पे भी तो बात आती है ना। अभी जैसे आप सुन ही रहे हो कि प्रैक्टिकल कई सारे स्कूल्स के पकड़े गए हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है वो गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो अब स्कूल्स पे कार्रवाई हो रही है, प्रैक्टिकल मार्क्स की कॉपी चेक, प्रैक्टिकल मार्क्स वाली फिर से देखा जाएगा कि स्कूल ने ऑथेंटिक वीडियो डाले हैं नहीं डाले हैं, क्या मिली भगत थी वाइवा लेने वाले टीचर्स के साथ स्कूल की, वो सब चेक होगा। तो छोड़ी में इट इज़ वेरी लीनियंट कि आपने लिखा है तो नंबर मिलेंगे स्ट्रेट, एज स्ट्रेट एज दैट। लेकिन अगर कॉपी खाली है तो बच्चों आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम तो देना पड़ेगा ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब जो लगभग पास करने के कगार पे है ना, एग्जामिनर्स हैव ट्राइड हार्ड कि उनको पास कर दिया जाए, तो ऐसे बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। पासिंग परसेंटेज काफी बढ़ा है ठीक है, और फेल करने का परसेंटेज घटा है इन द सेशन 2023। जब रिजल्ट आएगा तो ये बात अपने आप साफ हो जाएगी ठीक है। अगर आपने 70 में 16-17 नंबर का आंसर लिख दिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बाकी स्टेप मार्किंग अटेम्प्ट्स सब देख करके आपको एग्जामिनर पास कर देगा। 80 में भी अगर आपने 21 के आसपास लिख दिया तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट के नंबर हो रहे हैं ठीक है। आपने अटेम्प्ट लिया है, प्रोसेस लिखा है, पॉइंट्स लिखे हैं, तो ऐसे में नंबर मिल रहा है। एमसीक्यू में अगर सिर्फ ऑप्शन लिखा है या सिर्फ आंसर लिखा है तो भी नंबर मिल रहा है। हाँ, लेकिन कुछ टीचर्स बता रहे हैं जैसे क्लास 12th के कुछ कॉपीज है, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बहुत से बच्चों मतलब इट्स नॉट अबाउट कि बहुत से बच्चे, बट सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कॉपीज जो है पेपर वो ब्लैंक पाए गए। तो आप तो जानते हैं कि आप कौन से वो बच्चे हैं जिन्होंने ब्लैंक शीट दिया, तो आप जो है सो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही अगर आपने ब्लैंक शीट दिया तो कोई टीचर आपको फिर पास उसमें नहीं करा सकता, विच इज रीजनेबल है ना। अगर हम शीट में कुछ लिखेंगे ही नहीं तो हमें कैसे कोई पास करा सकता है। तो आप टेंशन लेने के लिए, दुखी होने के लिए कोई नहीं है, आप मेंटली फ्री होकर के अपनी इस गलती को सुधारिए। आपको मौका सीबीएसई देगी और आप सुधार सकते हैं, हैव फेथ इन योरसेल्फ ठीक है। 1 month मिलेगा आपको, 1 month इज इनफ कि एटलीस्ट 33% बच्चा ले आए। मैक्सिमम बच्चे कंपार्टमेंट क्लियर कर ही लेते हैं, एमसीक्यूज में मार्क्स दिए जा रहे हैं, यानी कि जो भी जस्टिफिएबली सीबीएसई के नॉर्म्स के तहत है ठीक है, तो वहां पर नंबर कट नहीं रहे, वहां पर नंबर बट रहे, नंबर बट रहे तभी तो बच्चे पास हो रहे। देखो आपने स्टेप्स लिखे हैं आपको नंबर मिल जाएंगे, आपने अटेम्प्ट लिया है आपको अटेम्प्ट मतलब रिलेवेंट अटेम्प्ट नॉट इररिलेवेंट अटेम्प्ट ठीक है। ग्रेस मार्क्स भी चलो हर सब्जेक्ट में नहीं लेकिन ओवरऑल है। मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी हुई है कि बच्चे अगर मान लो कि आपका पेपर एम्बिगुअस है, डिफिकल्ट है, यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। और एक अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, एडिशनल सब्जेक्ट, तो वहां पर भी टॉप 5 करके आप पास हो जाएंगे। एडिशनल मान लो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो वो फिर एडिशनल में काउंट हो जाएगा और एडिशनल वाला आपका मेन बन जाएगा। तो इतने प्रावधान है आपके पास कि फेल करने के चांसेस तभी बनते हैं जब या तो आपने पर्चा खाली दिया है या फिर जो भी लिखा है वो पूरा गलत लिखा है ना। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी रहेगी, चाहे रीजन जेन्युइन हो, वैलिड हो या फिर जेन्युइन नहीं हो। तो जो भी रीजन हो, रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो पकड़ी गई है चीजें, उसमें हर बच्चा थोड़ी सफर करेगा। ऐसा थोड़ी कि स्कूल वाले 20 में 15 देंगे या 30 में आपको 25 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मार्क्स मिलेंगे ऐसे ही, हो सकता है एक आधा नंबर कम कर दिया जाए कुछ बच्चों का ठीक है, या अगर स्कूल ने ऑनेस्टी बढ़ती है तो वहां पर नंबर नहीं भी कर सकते। सो जो भी होगा अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। कॉपी चेकिंग बहुत ही अच्छी चल रही है, लीनियंट चल रही है, मार्क्स मिल रहे हैं।
तो उन्हीं बच्चों को डरने की जरूरत है जिन्होंने कॉपी खाली छोड़ी है, उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, आई करेक्ट माई सेल्फ, कि डरने की जरूरत है, उन्हें अगला स्टेप लेने की जरूरत है कि आप अब फिर से उस सब्जेक्ट को पढ़ डालिए जिस सब्जेक्ट में आपने ऐसा किया था। हाँ, लेकिन जिन बच्चों ने लिखा है आप आगे बढ़िए, टेंथ के हैं तो आप इलेवेंथ में स्ट्रीम सेलेक्शन के बारे में सोचिए, चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए कि क्या कर सकते हैं आप, कौन से स्ट्रीम में आप बेटर कर सकते हैं। अगर आप ट्वेल्थ के हैं तो CUET, JEE, नीट वगैरह की तैयारी में लग जाइए। रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट 15 मई है, ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक तक नहीं आने के चांसेस हैं, जस्ट बिकॉज कि इतनी जल्दी इतना सारा डेटा मैनेज करना CBSE के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब लेकिन जो प्रैक्टिकल में चीज़ें पकड़ी गई हैं उसके बाद अगर स्कूल वालों ने मार्क्स एडिट करके फिर से भेजा तो ये डेट 15 मई से बढ़ के एंड ऑफ मई में जा सकता है। सो देर इज़ अ चेंज इन द रिजल्ट डेट। ऑफिशियली अपडेट हमें नहीं मिली है, जब ऑफिशियल अपडेट मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया हो तो, और दोस्तों को भी बताइए तक, क्योंकि बहुत से बच्चे घबराए हुए रहते हैं, तो ऐसे अगर आप बातें सुनते हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि एवरीवेयर अगर आप सुन रहे हैं कि हम फेल हो रहे हैं तो हम एज अ स्टूडेंट परेशान होने लगते हैं। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने स्टैमिना अपने पोटेंशियल को पहचानिए एंड गिव द बेस्ट, अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं, हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपके पेरेंट्स टीचर्स आप पे फेथ रखते हैं, आपको भी अपने ऊपर फेथ रखना है एंड यू विल डू इट राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।